सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गोलू और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अमित पिजन टिप। दोस्तों आज की वीडियो में टॉपिक ये होने वाला है कि होममेड पिजन टिंग कैसे बनाए। दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर दोस्तों काफी सारी वीडियो मैंने बनाए हूँ होममेड पिजन टिंग कैसे बनाए, कबूतर के पर में छल्ले कैसे डाले, कबूतर के पर में मनी वाले पिजन टिंग कैसे बनाए। मगर दोस्तों आज जो हम पिजन टिंग बनाने वाले हैं वो दोस्तों सबसे हटके होने वाली है और सबसे यूनिक होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम सबसे अलग चीज से पिजन टिंग बनाने वाले। तो दोस्तों देखिए आप, ये वो चीज है जिससे हम पिजन टिंग बनाने वाले हैं। तो ये क्या चीज है मैं आपको बताता, ये देखिए दोस्तों, दोस्तों ये है अतर की बोतल जो कि दोस्तों हम कपड़े पे लगाते हैं। काफी सारी अतर की बोतल है हमारे पास रखी हुई, तो दोस्तों आज हम इससे पिजन टिंग बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इसके ढक्कन से हम पिजन टिंग बनाने वाले। ये देखिए आप, ये एकदम गोल्डन कलर का है, तो इससे हम पिजन टिंग बनाने वाले। और दोस्तों आप ऐसी दवाई के खाली ढक्कन से पिजन टिंग बना सकते हैं, जर्मन के। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो आपको ऐसी, अगर आपके घर में भी ऐसी ढक्कन है जर्मन के या ऐसे ढक्कन है जर्मन के, तो आप इससे कैसी बनाएंगे वो मैं आपको बताता। ये भी दोस्तों आपको ऐसा ढक्कन लेना है, इसको हल्का सा घुमाना है और इसको ऐसा ऐसा खींचना है, तो इसी तरीके से निकल जाएगा। देखिए ये देखिए, ये इसका प्लास्टिक का कवर रहता है और ये इसका जर्मन का कवर है। ये दोस्तों जर्मन का है, इसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ऐसे जर्मन के ढक्कन की, जो कि हम अतर के बोतल का ढक्कन ले रहे हैं, और एक प्लायर की, एक सीजर की, कैंची की आप, और एक डायमीटर, या तो आप स्केच पेन का ले सकते हैं, या तो मेरे पास एक ऐसा लोहे का रखा है इसका ले सकते हैं, या आप ऐसी पिचर रिंग का भी ले सकते हैं, रबर रिंग का जो रेडीमेड मिलती है बाजार में, तो इसका भी ले सकते हैं। मगर मैं इसका लूंगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है और इसका साइज भी अच्छा है। तो दोस्तों चलिए पिचर रिंग बनाते हैं। ये देखिए इससे हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है, इसको एक कट लगाना है इसमें, इस जगह से। ये देखिए कैसा कट लगा रहा है इसमें मैं, और ये बड़ा ही पतला रहता है दोस्तों, तो इजीली कट जाता है, और बड़ी ही केयरफुली आपको कटना है क्योंकि इसमें धार बड़ी रहती है इधर से। ये देखिए कैसा काटा है इसको मैंने, अब इसको ऐसा घुमाना है। ये देखिए इसको आप ऐसा काटना है, देखिए दोस्तों किस तरीके से काट रहा है इसको मैं, और इसको अलग कर देना है, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, बस जरूरत इसकी। ये देखिए दोस्तों, ये इसका डायमीटर है जो कि कबूतर के पर में बराबर कंफर्टेबल फिट होता है, तो इसमें हम इसको रोल करेंगे। पहले हम साइज ले लेंगे फिर इस हिसाब से काटेंगे इसको। देखिए कितने इजीली इसमें रोल हो रहा है, ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। आप चाहे तो इसको डबल भी ले सकते हैं, ये देखिए ऐसा आप डबल ले सकते हैं, मगर मैं इसको सिंगल लूंगा दोस्तों। ये देखिए इतना ये आ रहा है सिंगल में, तो इतना आपको कट लगाना है वापिस यहाँ से। चलिए दोस्तों इसको कट लगाते हैं, ये ऐसा हो गया, इसको ऐसा कट लगाएंगे। ये देखिए अब ये रोल हो चुका है और ये इजीली इसके अंदर जा रहा है। अब ये जो अतर की बॉटल में इसके अंदर जो डिजाइन आती है, वो डिजाइन का हमको यूज करना है। ये देखिए इसमें तीन पट्टी की डिजाइन है, और इसमें जो यहाँ पे वो धार रहती है इधर साइड में, तो इसको हम रोल करेंगे। देखिए कैसे रोल करता हूँ, इसको हमने साइज तो ले लिया, अब इनको आप वापिस खोलेंगे। वापिस खोलने के बाद इधर से देखिए इसमें कितनी थोड़ी सी गैप है, ये साइड से ये आपको तीन रखेली दिख रही होंगी, ये एक दो तीन, ये तीन रखेल छोड़ के यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गैप है, तो इतनी गैप से हमको इधर से काटना है इसको। ये देखिए अभी इसको मैं इधर से काटूंगा,
बड़ा इजी है दोस्तों इसको बनाना। ऐसे इसको हमने कट लगा दिए, अब इसको मोड़ना है। तो मोड़ने के लिए हम ये प्लायर की इस्तेमाल करेंगे। देखिए किस तरीके से इसको मोड़ रहा है। अब इधर इधर का हो गया मोड़ के हल्का हल्का, अब इधर का बाकी है। तो दोस्तों चलिए इसको मैं मोड़ लेता ये साइड से और ये साइड से, क्योंकि कटने का डर रहता फिर कबूतर का, तो इसको मोड़ के आपको मैं बताता था। ये देखिए दोस्तों एक साइड से मुड़ चुका है और इधर से अभी कोई भी धार नहीं है इसमें, क्योंकि मोड़ने के बाद पूरा जो धार पाना था ये साइड में मुड़ चुका है। अब इधर की बारी, इधर का मोड़ लेंगे आप। तो देखिए इधर से मैंने इसको मोड़ चुका हूँ पलटा के, ऐसा अगर नहीं करेंगे तो इसमें कटने का डर रहता। इसकी जो डिजाइन है वो डिजाइन भी है हल्की हल्की। दोस्तों देखिए इसकी जो अच्छे से पूरा मुड़ चुका है, हमने साइज भी इसका ले चुके हैं। अब इसको रोल करने की बारी है। रोल करने के बाद देखिए कैसा मुड़ रहता है इसको। और अभी थोड़ा टाइट आ जाकर, मतलब थोड़ा वो ये भी हो चुका है मोड़ने में, क्योंकि पहले सिंगल था अभी इसमें डबल है। ये देखिए अभी कैसा टाइट आया एकदम। अब हमको जरूरत पड़ेगी प्लायर की, क्योंकि ऐसा ये देखिए इसमें थोड़ी सी गैप आई है, गैप आई है। इसको मोड़ने के लिए हमको प्लायर की जरूरत पड़ेगी ऐसा पकड़ के। तो इसको चलिए मोड़ते हैं अभी हम, ये ऐसा या ऐसा या ऐसा। दोस्तों देखिए कितना बेहतरीन तरीके से रोल हुआ है, और इसकी देखिए बराबर कट पे कट मिला ये, और फिर ये इसके अंदर एकदम ये देखिए। और जब ये कबूतर के बारे में जाएगा जब बड़ा ही सुंदर दिखना। अभी कई भाई सोच रहे होंगे कि ये इसका साइज कबूतर के बारे में जाएगा नहीं, तो दोस्तों इसको हम अलग तरीके से डालेंगे। तो इसको डालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अभी एक बने हमने, अभी और एक बना के दोस्तों हम कबूतर के पर में आपको डाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहना, आपको वीडियो में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों फाइनली हमारी पिज़्ज़ा रिंग बन गई है, और देखिए कितनी कैसी दिख रही है बताना मुझे। ये देखिए दोस्तों ऐसी कुछ बनी है पिजन रिंग। इसका डायमीटर बहुत कम है, इसका भी डायमीटर बहुत कम है, इसको हम अलग तरीके से डालेंगे। तो दोस्तों मैं आपको उनको डाल के दिखाता, और डालने से पहले दोस्तों ये देखिए इसको फैलाना कैसी है। ये देखिए बस हल्का हल्का ऐसा फैला देना इसको, ठीक है, और इसको भी हल्का हल्का ऐसा फैला देना। ये दोस्तों मैंने और एक बना के रखा था आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा आपने फैलाए, फैलाने के बाद कबूतर का परिस में आ गया, फिर आप इसको ऐसा लॉक कर दो। ये देखिए ऐसा तो निकलेगा भी नहीं और बड़ा खूबसूरत दिखेगा, और कबूतर के बारे में एकदम टाइट कड़ा दिखेगा। तो चलिए कबूतर के बारे में डालते, कबूतर लेके आएगी मैंने ऊपर से, बड़ा गुस्सा आता दोस्तों इसको, देखिए इसकी गुस्सा, इसकी आवाज़ सुनिए आप। तो इसको डालने का तरीका जैसे आपने पकड़े, ये हमने फैला के रखे थे, ये देखिए कितनी इजीली जा रहे, और जाने के बाद इसको हाथ से लॉक कर दीजिए। ये देखिए एकदम लॉक हो गया, ये देखिए लॉक हो गया। अब ये देखिए ऐसा निकल भी नहीं सकता, नहीं निकल सकता दोस्तों। रुक जा बेटा रुक जा, बड़ा गुस्सा आता दोस्तों इसको। अब दोस्तों इधर की बारी है, इधर भी सेम वैसी करना है। ये ही पकड़े आपने, ये पकड़ने के बाद इसको लॉक करना है ऐसी। ये देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा दिख रहा है ये,
अब मैं आपको इसको छोड़ के दिखाता, ये देखिए। ऐसा तो दोस्तों ऐसा कुछ दिख रहा है, ये देखिए आप, एकदम गोल्डन गोल्डन अच्छे दिख रहे दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी वेस्टेज चीजें हैं रखी हुई घर में, जर्मन की प्लास्टिक जर्मन का ढक्कन, तो दोस्तों आप भी ऐसी चीजों से जर्मन के ढक्कन से, ये देखिए कितने आसानी से मुड़ गया, ये जर्मन का ढक्कन है, ऐसी चीजों से आप बड़ी अच्छी पिचनिंग बना सकते हैं। मैंने जर्मन के ढक्कन से भी एक पिचनिंग बनाया है, वो भी बता था आपको मैं, ये देखिए आप, ये थोड़ी बहुत बारीक वाली है मगर कोई बात नहीं दोस्तों, बड़ी अच्छी दिखती है भी, इसमें डिजाइन है। तो दोस्तों आप जर्मन के ढक्कन से भी ऐसी पिचनिंग बना सकते हैं, अतर के ढक्कन से भी बना सकते हैं, मतलब जो जर्मन की चीज है जो इजीली कट जाती है तो आप उससे ऐसी पिचनिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसी चीज है तो आप ही बनाइए और अपने कबूतर के बारे में डालिए, कबूतर बड़े खूबसूरत दिखेंगे इससे, जैसे कि ये दिख रहा है हमारा सुल्तान। अभी दोस्तों घर में आया है तो बड़ा अजीब लग रहा है इसको। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कबूतर से रिलेटेड आपको कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, तू कुछ बोलेगा? थैंक यू दोस्तों, ये भी थैंक यू बोलना चाहते हैं।